आई में बॉल आई में देहरादून का एक प्रिकर्सर होता है जो कि कैडेट्स के आई में ट्रेनिंग लाइव की सबसे बड़ी फाइनल इवेंट पासिंग आउट परेड से पहले कंडक्ट होता है। हेलो दोस्तों, आई एम शिफाली और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आई एम ए में होने वाली बॉल पार्टी के बारे में, जिन्हें जानकर आप भी जेंटलमैन कैडेट के तौर पर आई एम ए में जाने के लिए जोश से भर जाएंगे। SSB क्रैक एग्जाम्स का NDA CDS FCAT 2021 कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप इस कोर्स में इनरोल होकर अपने डिफेंस एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको फुल लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल और बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है। आप SSB क्रैक की लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। IMA बॉल पार्टी की शाम सबसे बड़ी हाईलाइट होती है मिस्टर IMA एंड मिस IMA का सिलेक्शन के लिए। IMA बॉल को हर टर्म के एंड में आयोजित किया जाता है और इसे किसी भी टर्म के रिग्रेस ट्रेनिंग स्केड्यूल के पासिंग आउट कोर्स का होने वाला लास्ट सोशल इवेंट माना जाता है। ये इवेंट IMA में होने वाली बाकी इवेंट से सबसे अलग होता है क्योंकि इसे मस्ती और रोमांस से जोड़ा जाता है और थर्ड टर्मर्स के लिए ब्रेकअप पार्टी भी कहा जाता है। ये IMA का वो इवेंट होता है जिसके आने की राह GCs अपने ट्रेनिंग के शुरुआती दिनों से देखते हैं, ताकि वो अपने लेडी पार्टनर्स को अपने इस अलग दुनिया में इनवाइट करके उन्हें आर्मी के तौर तरीकों से रूबरू करा सके। IMA बॉल पार्टी इंडियन आर्मी की ऐसी दुनिया को रिप्रेजेंट करती है जहां मेन शिवरी को एक एलीट कल्चर की तरह फॉलो करते हैं जो बाहरी दुनिया में शायद ही पाया जाता हो। IMA के जेंटलमैन कैडेट्स यानी कि GCs दुनिया की सबसे अच्छी मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में से ट्रेनिंग लेते हैं, जहां ट्रेनिंग का मूल उद्देश्य होता है बॉयज इनटू मेन में बदलना। GCs को एकेडमिक के साथ ही साथ फील्ड क्राफ्ट और वेपन ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वो एक स्कॉलर वॉरियर बन सके, और साथ ही साथ उनकी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग भी एक ऑफिसर की तरह हो, जो उनकी ट्रेनिंग और एजुकेशन का एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। GCs की ट्रेनिंग बाकी एस्पेक्ट्स में से एक एस्पेक्ट उनका बिहेवियर जो कि वो लेडीज के साथ करते हैं, और उसी वजह से उन्हें जेंटलमैन का टाइटल भी डिफॉल्ट में मिल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और IMA बॉल पार्टी के बारे में जानकारी लेते हैं। पार्टीज और स्पेशली बॉल पार्टीज दुनिया के सबसे एलीट मिलिट्री अकेडमी का एक जरूरी और कल्चरल पार्ट है, जिसके लिए GCs पूरी ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में इसका वेट करते हैं। जनरली IMA बॉल पार्टी को पासिंग आउट परेड से 2 वीक पहले ही ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहां GCs अपनी लेडी फ्रेंड्स को बॉल पार्टनर्स के तौर पर इनवाइट करते हैं और उन्हें दिखाते हैं एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां होती है एक हाई सेंस ऑफ कर्टसी, मैनर्स, एटिकेट और शिवलरी। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बॉल पार्टीज उन रातों में से एक होती है जब दुनिया के एक GC की रोमांटिक साइड भी देखने को मिलती है, जो वैसे तो सालों और महीनों से ऐसी कड़ी ट्रेनिंग ले रहा होता है जिसे वो अपने दुश्मनों को किसी भी सिचुएशन में ख़त्म कर सके। अगर बात बॉल पार्टी की हो रही है तो हमें उसके ड्रेस कोड के बारे में नहीं भूलना चाहिए। यंग GCs और बाकी ऑफिसर्स 6 ब्रावो यूनिफॉर्म को पहनते हैं, जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स के पार्टी ड्रेस कोड की एक कस्टमरी ड्रेस है। GCs और ऑफिसर्स वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में काफ़ी जचते हैं, जिसके साथ वो घंटों पॉलिश किए गए शाइनी ब्लैक बूट्स के साथ ही साथ एक कमरबंद भी पहनते हैं। आर्मी वाइफ्स खूबसूरत साड़ियों में ड्रेस होती हैं और गर्लफ्रेंड्स और बाकी बॉल पार्टनर्स, रिस्पेक्टिव बॉल पार्टनर्स जिन्होंने GC द्वारा इनवाइट किया गया होता है, वो खुद को ट्रेंडी स्कर्ट्स एंड गाउन में ड्रेस अप करती हैं। इवेंट अबाउट 1900 आवर्स में स्टार्ट होता है और अकेडमी के गेट्स ब्यूटिफुल लेडीज के एनुअल इनफ्लक्स के लिए खोल दिए जाते हैं। जेंटलमैन कैडेट्स अपनी अपनी लेडी पार्टनर्स को रिसीव करने के बाद वेन्यू की तरह बढ़ जाते हैं। बॉल डांस पार्टी की शुरुआत कमांडेंट और फर्स्ट लेडी के आने के साथ ही होती है और वो IMA बॉल को रोल करके एक एक्सटेरी इवेंट जो कि रोमांस, विग्रस और जोश से भरपूर होता है, उसकी शुरुआत करते हैं। हालांकि पॉपुलर परसेप्शन से अलग ट्रू फॉर्म ऑफ बॉल डांस शायद ही कहीं देखा हो, बल्कि दूसरी तरफ देसी डांस की अलग अलग स्किल्स GC द्वारा दिखाई जाती हैं, जो बॉलीवुड और देसी म्यूजिक के साथ ही साथ रेयरली कुछ इंग्लिश म्यूजिक पर होते हैं। बॉल पार्टी को IMA के ह्यूज लॉन में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहां आके काफ़ी बड़ा और वेल स्टेज के साथ ही साथ ह्यूज डांस फ्लोर और शानदार साउंड सिस्टम होता है। इवेंट की शुरुआत वेलकम नोट मिस्टर एंड मिस IMA कंपटीशन से स्टार्ट होता है, जहां कॉमन ट्रेंड को फॉलो करते हुए हर कंपनी से 2 पार्टिसिपेंट्स मिस्टर एंड मिस IMA के टाइटल के लिए कम्पीट करते हैं, और इस इवेंट में रैम्प वॉक, Q&A राउंड्स के साथ ही साथ फन एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती है। विनर के अनाउंस होते ही कमांडेंट एक बड़ी डिस्को बॉल को रोल करने के बाद अपनी वाइफ के साथ सबसे पहला डांस की शुरुआत करते हैं,
जिसके बाद ही बाकी ऑफिसर्स धीरे धीरे अपने पार्टनर्स के साथ डांस को ज्वाइन करते हैं। जीसीज भी अपनी अपनी बॉल पार्टनर्स के साथ डांस की शुरुआत करते हैं और उन्हीं के साथ वो जीसीज भी डांस करते हैं जिन्हें कोई बॉल पार्टनर नहीं मिल पाता। हालांकि उन्हें स्टैग कहा जाता है, लेकिन वो वहां मौजूद सिंगल लेडीज के साथ डांस की परमिशन लेकर उनके साथ डांस करते हैं। फूड एंड ड्रिंक्स के स्टॉल्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। हालांकि जीसीज के लिए हार्ड ड्रिंक्स प्रोहिबिटेड रहती है और ये ड्रिंक सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स को ही अलाउ होती है, लेकिन उसके बाद भी जीसीज अपने चालाकी से कुछ ड्रिंक्स तो ले ही आते हैं। जस्ट किडिंग। यंग लेडीज के लिए एक बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है जिसमें उन्हें शिवलरस कैडेट्स के साथ डिनर करने का मौका मिलता है, जो कि उन्हें बॉल डिनर्स के दौरान और उसके बाद भी किसी क्वीन से कम ट्रीटमेंट नहीं देते। बॉल पार्टी अराउंड 23:30 आवर्स पे खत्म हो जाती है और सारे गेस्ट को विदा करने के बाद जीसीज अपने नाइटफॉल के लिए मूव करते हैं। तो ये थी कुछ बातें आई एम ए बॉल इवेंट के बारे में। आई होप आप लोग को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरे आई एम एस्पिरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इम्पॉर्टेंट जानकारी मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।